त्योहारों की एक और खासियत है कि आपको अपने ऑफिस की दौड़ भाग और टेंशन से मिलता है एक ब्रेक, और इस ब्रेक का अगर आप पूरा मजा उठाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं अपने फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशंस पर। और अगर इन हॉलीडे डेस्टिनेशंस पर मिले आपको फेस्टिव डिस्काउंट्स तो आपकी छुट्टी का मजा और दुगना हो जाए। फेस्टिव सीजन यानी हॉलीडे सीजन, पहले नवरात्रि, फिर दशहरा, फिर दिवाली और फिर क्रिसमस, एंड द लिस्ट गोज ऑन, यानी छुट्टियां ही छुट्टियां। तो अगर आप भी इस फेस्टिव ब्रेक का पूरा मजा उठाने के मूड में हैं, तो कहीं घूम कर आना एक अच्छा ऑप्शन है। छुट्टियों के इस मौके पर ज्यादातर टूर ऑपरेटर्स लगभग सभी खास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर 15-30% तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्काउंट्स सिर्फ फॉरेन टूर पैकेजेस पर ही। जब उपभोक्ते को डिस्काउंट मिलता है तो इट जनरेट्स मोर ट्रैवल, उनको एक मोटिवेशन होती है कि यार ये चलो सस्ता डील मिल रही है, एक अच्छी डील मिल रही है, तो क्यों ना हम इस पे हम जाएं। हमें याद है आज से 3-4 साल पहले 9/11 के बाद जब एकदम स्लंप में आ गई थी मार्केट, तो श्रीलंका के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू करा था, बाय वन गेट वन फ्री, वो भी ये दशहरा दिवाली के हॉलीडेज में शुरू करा था, और एकदम ऐसी डिमांड बढ़ी कि आज हमें सीटें ही नहीं हैं। साल में कुछ ही महीने तो होते हैं जब आपको छुट्टियां लेने के लिए लीव एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ता, तो चलिए देखते हैं कि इस फेस्टिव सीजन के मौके पर कौन कौन से फॉरेन डेस्टिनेशंस पर आपको मिलेंगे डिस्काउंट्स। इन छुट्टियों स्विट्जरलैंड के 6 दिन और 5 रातों के पैकेज के लिए आपको 59,000 रूपए के बजाय देने होंगे 54,000 रूपए। वहीं हांगकांग के 4 दिन और 3 रात के पैकेज के लिए आपको 40,000 रूपए के बजाय देने होंगे लगभग 37,000 रूपए। अगर आप इन छुट्टियों बैंकॉक जाने की सोच रहे हैं तो 7 दिन और 6 रातों के लिए आपको 35,000 रूपए की जगह देने होंगे लगभग 34,000 रूपए। इटली के 6 दिन और 5 रात के पैकेज के लिए आपको 50,000 रूपए की जगह देने होंगे 43,500 रूपए। इन सभी पैकेजेस में रिटर्न एयरफेयर, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स और 3-4 सितारा होटल में ठहरना शामिल है। क्यों, है ना काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स? विदेश यात्रा की इच्छा रखने वाले यात्री इन ऑफर्स से खासे खुश नजर आ रहे हैं। This festive season probably I'm looking the festive season which is going to happen in Bangkok. तो मस्ती का टाइम है, I'm going there. घूमने फिरने भी जाऊंगा and I love Thai food, so this is a good opportunity for me to go out with friends and you know enjoy outing. Then I would like to try pubs there and I'm perfect freak, you know, so I love partying and discos. I love going there. अगर इनकी तरह आप भी एक रोमांचक ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो अब आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं, बस अपना बजट डिसाइड कीजिए और निकल पड़िए एक एडवेंचरस ट्रिप के लिए। तो अगर आप भी अपने त्योहारों की मौज मस्ती में थोड़ा और फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आप मजा उठा सकते हैं अपनी फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशंस पर जाने का। एक तो त्योहारों की मस्ती और ऊपर से डिस्काउंटेड टूर ऑफर्स, क्यों, है ना सोने पे सुहागा।